बैठक ने सर जी बलतिया कतल जे गुंजन सी के देखत गेल हम बैठक ने कुल के कहो हम जाना हकिन नहीं जाना रहा ना जाना रहा हां बिल या वो है इतना सा गरीब आदमी कहां तो अपन बाल बच्चा खिलावे की बिल हां हां 30000 35000 हां बात कीजिए आइए देखिए गुंजन सिंह से अपना दुखड़ा सुनाएंगे नेता नहीं है लेकिन आया है हाँ कुछ काम से नहीं आए हैं मेरा गांव में घटना घटा है हाँ, तो उनसे मिलने आए हाँ, ना तो हम लोग के भी बोलना चाहिए ना बोलते कि छत पे लोग बैठ करके गुंजन सिंह को देखना चाह रहे हैं ना ये गुंजन सिंह को और कहाँ देखे थे गुंजन सिंह खड़ा होकर लोगों को अभिवादन कर रहे हैं। भोजपुरी के सुपरस्टार गायक गुंजन सिंह इन दिनों सक्रिय हो गए हैं और लगातार वो नवादा जिले में घूम रहे हैं। इस वक्त हम लोग बेगराजपुर गांव में मौजूद हैं और हमारे पीछे आप तस्वीर देख सकते हैं कि इस गांव में आज गुंजन सिंह पहुंचे हैं। आप तस्वीर देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से गुंजन सिंह को देखने के लिए यहां सैकड़ों की संख्या में भीड़ इकट्ठा हो गई। लोग एक झलक पाने के लिए बेताब नजर आ रहे हैं और ये नज़ारा बेगराजपुर गांव का है। आप खुद देख लीजिए कि किस तरह से गुंजन सिंह को एक झलक पाने के लिए लोग यहां पर बेताब हैं और जब से ये सक्रिय हुए हैं तब से लगातार नवादा जिले के अलग अलग गांवों में जाकर ये सुख दुख का साथी बन रहे हैं। कुछ लोग हैं उनसे भी हम बातचीत करेंगे कि आखिर गुंजन सिंह इनके गाँव में आज आए हैं। क्या नाम हुआ आपका? सुरेंद्र अभिराव। किस गाँव के आप हैं? बेगराजपुर के। आज कौन आए हैं? गुंजन सिंह। कैसे जानते हैं गुंजन सिंह को? बहुत दिन से जानते हैं सर। कैसे? जब तक गायकार में उतरे उसी समय से हम जान रहे हैं। गायक से ही जान रहे हैं। तब इस बार चुनाव उनाव हाँ, चुनाव तो जाने से जान साथी में खड़ा हो रहे हैं। ठीक है, हम लोग ध्यान देंगे। ध्यान दीजिएगा। हाँ, पूरा देंगे ध्यान। आज किस लिए आपके गाँव में आए हैं? आज जो आए हैं जो बदरपुर जो गिरे थे उन्हीं के अलावा पर आए थे। अच्छा ठीक। अच्छा, इसके पहले और आपके गाँव में कोई नेता उतारे हैं? नहीं नहीं, कोई नेता नहीं आया। सर ये प्रदीप महतो, प्रदीप महतो हम जानो ना है जो पूर्व विधायक थे। हाँ, पूर्व पहले पहले विधायक थे। और कोई नहीं? अरुणा देवी आए हैं। और कोई नहीं आए हैं? और कोई नहीं आए। हाँ, तो ये देखिए इस गांव के लोग हैं, युवा साथी हैं, काफी गाना सुनते होंगे गुंजन सिंह का। हाँ सुनते हैं, बहुत सुनते हैं। क्या नाम हुआ? ओम प्रकाश। आज आपके गाँव में कौन पहुँचे हैं? गुंजन सिंह पहुँचे। उन्हीं को देखने के लिए आप लोग आए हैं? हाँ, उन्हीं को देखने के लिए। हो गया अभी? हो गया है, देखे हैं। सेल्फी उल्फी ले लिए? हाँ ले लिए हैं। कुछ बोले उले आपको कि नहीं? बोले हैं। क्या बोले? प्रणाम पाती किए हैं। और प्रणाम पाती हो गया? हाँ। तो गाना उना उनका याद है? साथ में खड़ा हो रहे हैं। गाना उना तो है अभी। याद है? याद है। तो ये देख लीजिए उस गांव के लोग हैं, आप खुद देख सकते हैं किस तरह से इस गांव के लोग गुंजन सिंह की एक झलक पाने के लिए बेताब नजर आ रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे भी हैं, आप खुद देख लीजिए गुंजन सिंह यहां पे बैठ करके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और ये गांव का प्यार है, दुलार है। ये बेगराजपुर गांव के ग्रामीण हैं, आप खुद देख सकते हैं कि किस तरह से भोजपुरी के सुपरस्टार गुंजन सिंह को एक झलक देखने के लिए बेताब नजर आ रहे हैं। आप सामने में देख लीजिए काफ़ी संख्या में महिलाएं हैं इस गांव के और वो लोग भी चाह रही हैं कि किसी तरह से एक झलक गुंजन सिंह को देख सकें क्योंकि ये लोग अक्सर उन्हें टीवी या फिर मोबाइल में देखते होंगे, उनका गाना सुनते होंगे, लेकिन आज इनके गांव में खुद गुंजन सिंह पहुंचे हैं। ये एक महिला हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। क्या नाम है? रूबी देवी। रूबी जी, आपके गांव में कौन आए हैं? गुंजन सिंह। कहाँ देखे थे इसके पहले गुंजन सिंह? हम कभी ना मोबाइल पर देखे। मोबाइल पे देखे थे? हाँ। आज तो आपके गांव में आ गए हैं? हाँ। बैठक ने सर जी गुंजन सिंह का देखा थी हम बैठक ने कुल के कहो को हमें जाना हकीन नहीं जाना रहा ना जाना रहा। तो ये देखिए इस गांव के महिलाएं हैं, हम चाहेंगे कि भाई गुंजन सिंह को एक झलक देखें। क्या बोलते हैं? बिल या वो है इतना सा गरीब आदमी कहां तो अपन बाल बच्चा खिलावे की बिल। हां हां 30000 35000 हां बात कीजिए आइए देखिए गुंजन सिंह से अपना दुखड़ा सुनाएंगे। ये एक महिला है, है ना, ये महिला गुंजन सिंह से अपना दुखड़ा सुनाएंगे। इधर देखिए, ये इनके प्रति प्यार है, इनके प्रति स्नेह है। ये महिला जो है इनको कुछ दुखड़ा सुना रहे हैं, है ना। तो ये देखिए इस गांव की महिलाएं हैं जो गुंजन सिंह को एक झलक पाने के लिए बेताब हैं। सामने इधर आप पीछे देखिए तस्वीर कि किस तरह से गुंजन सिंह को एक झलक पाने के लिए यहां के लोग बेताब हैं। क्या नाम है छोटी?
अंशु। कौन आए हैं तुम्हारे गांव में? गुंजन सिंह। गुंजन सिंह, पहले कहाँ देखी थी गुंजन सिंह को? मोबाइल में। मोबाइल में देखी थी, गाना में? हाँ, आज देख ली गांव में? हाँ। देख ली ना? हाँ। समस्या आप लोगों का क्या है? समस्या पानी वगैरह मर। नेता अभी नहीं ना है? नहीं, नेता नहीं है, लेकिन आया है, यहाँ कुछ काम से नहीं आए हैं। मेरा गांव में घटना घटा है। हाँ, तो उनसे मिलने आए हैं। हाँ, तो हम लोग के भी बोलना चाहिए ना? बोलिए। तो बोल रहे हैं कि हम लोग के पानी चाहिए, जो भी दुख है सुख है सब सुनाइए। तो दुख है तो हम बोल रहे हैं कि हम लोग के पानी वगैरह। एक चाचा है, ये टंकी जो है ना, दो घंटा की यही पानी पीने से लिए टंकी वाला। इतना भारी गर्मी तरह आया आदमी। हाँ, कितना दिन से? अभी कम दाह किया, दो घंटा बंद किया गया है उसको। तो ये देख लीजिए, इस गांव के लोग हैं और आप खुद देखिए भीड़ किस तरह से बेकाबू हो गई है, है ना। और ये भीड़ जो है वो गुंजन सिंह को पाने के लिए, उधर देखिए छत पे लोग बैठ करके गुंजन सिंह को देखना चाह रहे हैं ना। ये गुंजन सिंह को और कहाँ देखे थे, देखिए गुंजन सिंह खड़ा होकर लोगों को अभिवादन कर रहे हैं और ये अभिवादन इस गाँव के लोग स्वीकार कर रहे हैं। सामने में आप देख लीजिए कि किस तरह से इस गाँव के लोग, है ना। तो माइक नहीं ना है, वो अभी दुख में आए हैं मिलने के लिए, है ना। कोई प्रचार में नहीं ना है, दुख में आए हैं। दुख में आया, प्रचार में नहीं ना? नहीं नहीं, प्रचार में ना आया। चुनाव प्रचार में एक दिन तब बोलते हैं, चुनाव प्रचार में नहीं ना? नहीं नहीं आया, दुख में आया। आप मोबाइल में ना देखते थे? हाँ, मोबाइल में। आज उसको देख लिया हकीकत में। आज देख लिया हकीकत में। हकीकत में आप ही के जिला का है मालूम है ना? हाँ। नवादे का? हाँ। भवनपुर जानते हैं? हाँ हाँ। तो बिल देखिए, ये गांव का दुख और दर्द है साहब। यहाँ अगर कोई अभिनेता और कोई अगर गायक भी पहुँचते हैं ना, उन्हें वो अपना दुख और सुख सुनाना शुरू कर देते हैं। लेकिन दुर्भाग्य इस बिहार का कि आज़ादी के बाद भी ये लोग अपना दुख को दरकिनार नहीं कर सके हैं। और गुंजन सिंह आज इनके पास आए हैं और उन्हें भी ये आज अपना दुख ही सुना रहे हैं। अब अभी चुनाव का वक्त नहीं है, लेकिन आज ये देखना पड़ेगा कि आखिर इन लोगों का दुख कब तक दरकिनार होगा और कब तक इनके दुख का समाधान होगा। देख लो रे।